नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जनवरी महीना यानी कि 2021 का जनवरी मंथ बीत चुका है और आज से फरवरी की शुरुआत हो चुकी है। तो होता क्या है कि हर वीक जो है यूट्यूब अपने अलग अलग कलाकार, आर्टिस्ट, टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टार्स और टॉप वीडियोस जो होता है उसके बारे में वो पूरी जानकारी देता है कि इस हफ्ते में ये कलाकार इतने 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 नंबर पर रहे और इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और इनके गाने इतने व्यूज बटोरे हैं और पूरे देश में इनका गाना इतने नंबर पर ट्रेंड किया है। अब होता क्या है कि जब ये एक अपडेट करता है तो उसमें अब भोजपुरी के इंडस्ट्री के जो कलाकार है ना वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसका मतलब ये एकदम उनका जो गाना है ना पूरा कमाल एकदम धमाल मचाया हुआ है पूरे यूट्यूब की दुनिया में, मतलब पूरा यूट्यूब हमारे भारत की बात कर ले तो उसमें से एक बहुत बड़ा नाम शामिल है और वो नाम है भोजपुरी के ट्रेंडिंग नहीं बल्कि हैंगिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव का नाम हमेशा टॉप आर्टिस्ट में पूरे देश में शामिल रहता है और ये भोजपुरी शान मान सम्मान की बात है कि भोजपुरी का एकलौता एक कलाकार जो टॉप 10 में सभी बड़े कलाकार के जो पूरे इंडस्ट्री को हिलाकर रखते हैं उनको हिलाकर रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आई सो रियली फील प्राउड फॉर द खेसारी लाल यादव दैट यू जस्ट गेट द अचीवमेंट लाइक ही जस्ट गोन ऑन अ फोर्थ पोजिशन इन द इंडियन टॉप आर्टिस्ट नेम। सो ये बहुत बड़ी बात है खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए, खेसारी लाल यादव के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ, बात करें तो अगले हफ्ते का यानी कि जो पिछला हफ्ता था 30 वाला, जो 23 से जो 24 से 31 तक जो हफ्ता था उस हफ्ते का चार्ट आ गया है और उस चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप आर्टिस्ट में खेसारी लाल यादव का नंबर कितने नंबर पर है और टॉप 10 में भोजपुरी का कौन कलाकार है। पहले नाम की बात करें तो वो नाम है अलका याग्निक का। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ और उस बात से समझने की कोशिश कीजिएगा। अलका याग्निक जो है वो उनका 228 हफ्ते से 228 हफ्ते से वो नंबर वन पर चल रही हैं 228 हफ्ते से, ध्यान दीजिएगा इस पे। वही बात करें चेंजेस, 2.6% का चेंजेस हो रहा है यानी कि जो इनके गाने हो रहे हैं वो 2.6% के रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं। वही बात करें तो टोटल ओवरऑल व्यूज जो है 305 मिलियन व्यूज है यानी कि 305 मिलियन। दूसरे नाम की बात करें तो नाम है उदित नारायण का। उदित नारायण भी 228 हफ्ते से आगे चल रहे हैं और इनका जो चेंजेस है वो 8.5% का है यानी कि 8.5% के माध्यम से वो हमेशा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और इनकी ओवरऑल व्यूज की बात करें तो 221 मिलियन जो है इनकी ओवरऑल व्यूज है। तीसरे नंबर की बात करें तो कुमार सानू है। कुमार सानू जो है वो 228 हफ्ते से भी आगे चल रहे हैं और उनका जो परसेंटेज ऑफ चेंजेस रेशियो है वो 6.6% है और उनके ओवरऑल जो व्यूज है 193 मिलियन है। ठीक है, अब ये अब खेसारी लाल यादव का ध्यान दीजिएगा। ये जो तीनों कलाकार थे वो पुराने कलाकार हैं जिनके गाने पहले रिलीज हो चुके हैं और उनके गाने काफी कमाल के हैं और आज इनके गाने लगभग लगभग बंद हो गए हैं। अभी जैसे कि मतलब कंटिन्यूअस में जो रिलीज होते हैं वैसे बंद हो गए हैं। अब नाम आता है चौथे नंबर पर भोजपुरी के हैंगिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव का चौथे नंबर पर नाम आ रहा है पूरे देश में और टॉप 10 में बस खेसारी लाल यादव का ही नाम है। अब इनका बात करें तो ये भी 228 हफ्ते से आगे चल रहे हैं यानी कि चार कलाकारों में खेसारी लाल यादव का भी नाम 228 वीक में आगे चल रहा है। अब चेंजेस की बात करें तो देखिए, अलका याग्निक का 2.6%, उदित नारायण का 8.5%, कुमार सानू का 6.6%, लेकिन खेसारी लाल यादव का 23% से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बताइए भैया कि 23% जो कलाकार आगे बढ़ रहा है वो कितना जल्दी 1, 2, 3 नंबर पर अचीव कर सकता है, ये आप इसके हकदार हैं और आप इसको समझते होंगे। बात करें तो टोटल 153 मिलियन व्यूज है यानी कि 153 और 193, लगभग 40 मिलियन का डिफरेंस है थर्ड नंबर पे जाने का। लेकिन एक बात और गौर करना है कि जो 1, 2, 3 देख रहे हैं उसमें स्ट्रेट क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कि फिक्स है, चल रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव को देख रहे हैं कि ग्रीन है, मतलब कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि खेसारी लाल यादव देख ही रहे हैं कि एक दो दिन में एकदम एक बड़ा 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 गाना लेके आ रहे हैं, तो व्यूअर तो इकट्ठा हो रहा है ना भैया। तो जब व्यूअर इकट्ठा हो रहा है तो वो जुट रहा है तो इतने जल्दी जल्दी गाना लाएंगे, ऊपर से क्रॉस जा रहा है, 223% के रेशियो से आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 3-4 महीने में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव नंबर वन पर आ जाएं और ये भोजपुरी के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि खेसारी लाल यादव ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। तो आप खूब इनके गाने को सुनिए और नंबर वन पर आइएगा तो प्राउड फील होगा भोजपुरी इंडस्ट्री को कि खेसारी लाल यादव ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। बाकी अपडेट पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए।
डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।